तो टीम इंडिया का मुकाबला जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है और यह मुकाबला जो कि ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा। ऐसे में टीम इंडिया को यह मुकाबला किसी भी हाल में जीतना होगा क्योंकि एशिया कप 2023 में यह मुकाबला बेहद ही अहम होगा टीम इंडिया के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया को तीन सबसे बड़े पाकिस्तानी खिलाड़ी से किस तरह बच कर रहना होगा और कौन है वह पाकिस्तानी खिलाड़ी जिसे बच कर रहना होगा, इसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला जो कि होने वाला है 2 सितंबर को और यह मुकाबला होने वाला है श्रीलंका में। तो ही बात करें यह मुकाबला जो कि आप स्टार स्पोर्ट 1, स्टार स्पोर्ट 3 और डीडी स्पोर्ट और डीजी प्लस हॉट स्टार या कुछ चैनल और ऐप से जहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे में यह मुकाबला सबसे बड़ा मुकाबला है एशिया कप 2023 का और टीम इंडिया को अगर सुपर फोर में क्वालिफाई करना है तो यह मुकाबला भी जीतना बेहद ही अहम होगा। तो बात करें पाकिस्तान के तीन सबसे खतरनाक खिलाड़ी का, तो इनमें जो सबसे पहला और सबसे खतरनाक खिलाड़ी है वह है कप्तान बाबर आजम। बता दें कि बाबर आजम बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, पहले मुकाबले में भी कमाल का परफॉर्मेंस किया था नेपाल के खिलाफ। एक वक्त उनका टीम थोड़ा मुश्किल में थी लेकिन फिर भी बाबर आजम उन मुश्किलों से निकाल कर एक बेहद ही बड़े स्कोर की पाकिस्तान को जीकर आसानी से मुकाबला जीत लिया। ऐसे में बात करें दूसरा जो टीम इंडिया के लिए सबसे खतरा हो सकते हैं वह है इफ्तिकार अहमद। जी हां दोस्तों, इफ्तिकार अहमद नीचे खेलते हैं और बेहद ही विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में टीम इंडिया के इनसे बचकर रहना होगी क्योंकि इनके विस्फोटक बल्लेबाजी से जो टीम इंडिया का कंट्रोल रहेगा वह खो सकता है। ऐसे में जब भी इफ्तिकार अहमद खेलने आए उन्हें जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करना होगा और नहीं तो टीम इंडिया के लिए बेहद ही भारी पड़ सकते हैं इफ्तिकार अहमद। वहीं बात करें हम तीसरे खिलाड़ी का तो वह है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी हमेशा से पाकिस्तान के एक्स फैक्टर खिलाड़ी रहे। बता दें कि हमेशा से शुरू के ओवर में विकेट निकालते हैं और ऐसा भी किए नेपाल के खिलाफ। यहाँ दोस्तों फिर से शुरू में विकेट निकाले लेकिन अगला बार बचकर रहना होगा क्योंकि टीम इंडिया के ओपनर रोहित शर्मा शुभमन गिल को शाहीन शाह अफरीदी से। तो दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी से अगर टीम इंडिया बचती है तो एक बेहद ही बड़े स्कोर की ओर जाएगी जो कि पाकिस्तान को हमेशा से दबाव में डाल देगी। तो दोस्तों आपको क्या राय है या तीन खिलाड़ी से कैसे बचेगी टीम इंडिया, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।